मैं तेरा तालुबास छोड़ संसार बचा तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 10th of December, तो हम जाने वाले कॉमिक कॉन। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, तो मैं और पीयूष भैया जाएंगे यहाँ से कैब में, फिर वहाँ पे हम मिलेंगे यूनिक और जानी से। तो लेट्स सी क्या क्या होता है वहाँ पे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट ऐसा कोई इवेंट में जाऊँगी मैं जिसमें सब लोग होंगे, फिर इतने सारे कॉस्टली सारे करेक्टर और थोड़ी एक्शन फिगर्स भी लेनी मुझे। सो लेट्स गो। तो जब आप कॉमिक कॉन की टिकट बुक करते हो तो उसके साथ कुछ गुडीज वगैरह मिलती हैं, एक बैग मिलता है, उसमें काफ़ी सारा सामान भी होता है। एक सुपर वीआईपी फैन वाला भी था 3000 का, लेकिन वो तीनों दिन का था तो हमको तो एक दिन ही आना था, तो हम यहाँ पे वो ले रहे हैं। क्या क्या मिला है? एक तो ये मिली है बैग, चेयर, एक पास बस। स्टार्ट योर 2 month फ्री ट्रायल, लिसन मोर, इमेजिन मोर। पोस्टर नहीं मिले कुछ इसके अंदर है ना? ओ कौन से दिखाना? प्राइस है दिखाओ तो इसी में डाल दो। ओ भाई नरूटो का। हाँ हाँ। और हम यहाँ पे कॉमिक कॉन पहुँच चुके हैं, लेट्स गो। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है फर्स्ट इवेंट ऑफ कॉमिक कॉन? डेली का है। अच्छा ये बताओ ना भाई, वही है वो, वही है। पर ये किसके साथ है? इससे कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या बना है? ओह माय गॉड, कॉस्प्ले किस कर रहे हैं वो तो एक मैंने बता दिया, बाकी तुम देखो। भाई लूफी तो मैंने बोला था। मैन भाई किसने बोला? मैंने बोला पहले। मैंने ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। वंडर वूमेन तो है। हाय फैन मीटअप। ये सिर्फ सोते हैं। और ये तो मैम आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज यू फीलिंग राइट नाउ? यहाँ पे फ्यूज भी अभी पहले तो फर्स्ट टाइम खेल रहा था, मजा आ रहा है। भाई साहब कितनी ब्लश कर रही है, ब्लश कर रही है भाई हाइड्रोफ्लिक से मिलने के लिए। जाओ ना, बोल दो। अरे बोल दो बिग फैन ऑफिस। अरे जाओ ना, वो समझ जाएगा। बोले भाई साहब
होना था, इतना भी नर्वस नहीं होना था भाई। अभी हम सोच रहे शीमर भाव से मिलने जाने का, गेमर टॉयज भी वहाँ पे और इधर कृति का सीन है, बाकी मामा मर्सी तो उधर से खाली है। मैंने सुना आपको गेम प्ले वाला मतलब पबजी में खेलते हैं ना, कहती कि अच्छा खेलते हैं मैंने सुना है, फिर मैंने भी बोल दिया हाँ 12 की गेड़ी चलती है भी। क्यों भाई साहब ये किस चीज़ के लिए है? माउस गिव अवे। अच्छा माउस गिव अवे, मेरे पे जी प्रो वायरलेस है और महंगे वाला मेरे पे। छोड़ देख रहे हो। राका कब आएगा? राका है और पीयूष भैया कैसे लगे राका से मिल गए? दो दो बार और वो आपको पहचान गया? मेरे को पहचान लिया, मैंने नोएडा में मिला था बहुत पहले से। विंडोज 11 अरीना से तो हम आ गए थे, तो अब हम बाहर ना बहुत सारे स्टॉल शॉप्स लगी हैं वहाँ पे, एनीमे एक्शन फिगर्स पोस्टर ड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को थोड़ी अपने रूम के लिए लेनी थी फिगर्स वगैरह GOT की, बाकी नारुतो की तो थी मेरे पे, वन पीस भी थे, देखते कुछ बढ़िया से मिल जाए आपको। इनको किचन लेनी थी अपनी बाइक के लिए और इनको भी निंजा के लिए। हैरी पॉटर का वॉन्ड भी लेना था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था सही में। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत बढ़ गई भाई शाम में, इधर ये देखो पीयूष भाई का तो लड़के भी पसंद आ गए सामने वाली जो है। कौन कौन है? सारे स्टोर देख ले, कहीं भी ग्रेट ओवर नहीं मिल रहा मेरे को, गॉड ओवर का कब मिलेगा? सब कुछ मिल रहा है बाकी। मेरे को दो चाहिए थे, गेम ऑफ थ्रोन्स और एक ग्रेट ओवर, गॉड ओवर का चाहिए था। पर अभी हम GOT का वो ड्रैगन लेने जा रहे हैं, एक चीज तो मिले, लेट सी ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा मिल रहा है हाँ, एनीमे तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही मिलेगा, लेट सी मिलता है ग्रेट ओवर या नहीं देखते चलते। तो ग्रेट ओवर तो नहीं मिला हमको, GOT के ड्रैगन से काम चलाना पड़ा भाई, इतना भारी पता नहीं क्या दिया है, दिखाऊंगी मैं घर जाके ना, अनबॉक्स करके दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। रेड कलर का लिया है इसी वीडियो में। तो कितने बज रहे हैं? 5:30 बज रहे हैं आई गेस, 5:15 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि यूनिक और जानीदी को जाना है दूर, जाम भी होता है, तो हम जा रहे हैं बस कॉमिकॉन से निकल रहे हैं। बाकी शाम में कॉस्टले कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं तो तब तक तो रुक नहीं पाएंगे, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। भाई बहुत मज़ा आया, अच्छा इवेंट था, एक्सपीरियंस फर्स्ट कॉमिक कॉन का, मजा आया, मिल लिए सबसे हाइड्राफ्लिक से। हाइड्राफ्लिक के तो बहुत बढ़िया फोटो आई है यार, पर फोटो अच्छी नहीं आई, मतलब ठीक है, एक वीडियो में तो है। काकाशी मिला मैंने फोटो खींचे, काकाशी किस कहां कोसले कर रहा था। अच्छा तो हमने ले लिया है एग्जिट कॉमिक कॉन से, जा रहे हैं अब सब अपने अपने घर जाएंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग, हम धक्के खाने जाएंगे, धक्के कहां में अभी 4 घंटे और लगेंगे। और मुझे अभी घर जाके स्ट्रीम करनी है, और जबकि मेरी पीठ दर्द हो रही है और मेरे पैर दर्द हो रहा है सुबह, और अगर ये सो गई तो स्ट्रीम नहीं रहेगी। हां मैं नहीं सोऊंगी, मैं स्ट्रीम करके सोऊंगी, आई एम जस्ट स्ट्रीम करके सोऊंगी मैं। सो घर तो मैं आ गई थी, 45 मिनट्स लगे थे कुछ, तो फिर मेरे को याद आया एकदम से, अरे आउटरो तो बनाया नहीं, तो ये आउटरो अब शूट कर रहे हैं, मैंने चेंज सब कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना आपका फेवरेट मोमेंट इस व्लॉग का। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
Fearless.